बंडाई को लगे ले भूख चुप तेरी मैं आँखी छूत। वहीं तुम अगर इस क्लिप को 144p में देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बंटी को लगी है भूख चल तेरी माँ की छूत। बंटी को लगी है भूख चल तेरी माँ की छूत। अच्छा यही रिजल्ट निकल कर आता है जब शर्ट के ऊपर के दो बटन खोलकर उसको सिर पर ओढ़कर बंटाई जैसी एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश करते हो। बंटी को लगी है भूख चल तेरी माँ की छूत। बंटी को लगी है भूख चल तेरी माँ की चूत। मैं सच बता रहा हूँ उसको ऐसे रैप करता देख इसके अंदर छिपे बंटाई का तो पता नहीं लेकिन कंडोम के अंदर फुदकते शुक्राणु के लक्षण जरूर नजर आ रहे हैं। हेलो मित्रों क्या मौज आ रही है। देखो मित्रों जैसा कि कृष्णा और एमी पे बंटाई के बीच डिस बैटल चल रहा है उससे मेरा क्या फायदा मुझे क्या मिल रहा है। तो तुम्हारा ये फायदा है कि अगर तुम भी एक रैपर बनना चाहते हो बिल्कुल ठीक इनकी तरह तो सबसे पहले गालियाँ सीखनी होगी एमी पे टंटाई से। बंटाई को लगे ले भूख चुप तेरी मैं आँख की छूत। ये वही एमी वे बंटाई है जिसने मचाएंगे फिर मचाएंगे मचाएंगे 3 जैसे हिट सुपर हिट सॉन्ग बनाए लेकिन अब मचाएंगे 4 में क्या सुनने को मिल रहा। बंटाई को लगे ले भूख चुप तेरी मैं आँख की छूत। यही होता है जब किसी को डिस रिप्लाई करना और तुम्हारे पास काउंटर करने के लिए शब्द न बचे हो तो उस डिस्ट्रैक में गालियां ही गालियां भर दो। लो जी हो गया एक नया तड़कता भड़कता रिप्लाई डिस्ट्रैक तैयार। खोट डाला कबर तूने पहने ला तो काला कोट स्मोक मुझसे लेके सोचे बेटा तू ज्यादा लो गाड़ूंगा उसी में 10 फीट अंदर पिंकी खड्डा थोड़ा ज्यादा नाम दो। दो चीज तुम लोगों को मालूम ही छे एक मजदूर को खोदना और एक बाप को चोदना नहीं सिखाते और ये मजदूर खोदना बहुत अच्छा जानता है और इसका बाप इसको चोदना बहुत अच्छे से जानता लाला। इसने 10 मिनट के डिस्ट्रैक में शुरू के 9 मिनट तो माँ को गाली दी है और आखिर में बचे हुए 1 मिनट में वोमेन एम्पावरमेंट की बात करी है ताकि लोगों को लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा अपने डिस्ट्रैक में। तोबा, तोबा, तोबा। औरत औरत होती है चाहे वो किसी की बेटी हो किसी की बहन हो किसी की आइटम हो। अरे वाह क्या बात है क्या लाइन कही है। औरत तो औरत होती है चाहे किसी की बहन हो किसी की बेटी हो किसी की आइटम आइटम हो। तू पागल है क्या? अरे बंटाई चीचा ये कौन से आइटम की बात कर रहे हो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच बताना जब तुम इस डिस्ट्रैक्ट के लिरिक्स लिख रहे थे कौन से वाले नशे किए थे। औरत औरत होती है चाहे वो किसी की बेटी हो किसी की बहन हो किसी की आइटम हो। तो देख रहे हो मित्रों एमी पे टंटाई की नजर में औरत एक आइटम है। या किसी की माँ हो औरत सभी होते हैं और ये पिंकी को लगता है कि किसी की बंदी के बारे में कुछ भी बोलो चलता है माँ के बारे में नहीं बोलने का और बंदी के बारे में बोलने का। बंदी क्या औरत नहीं है क्या? और हाँ मित्रों कृष्णा एमी वे की गर्लफ्रेंड को इसलिए बीच में लाया क्योंकि कृष्णा के लिए वो हेट स्टोरी लगा रही थी। ठीक है समझ गया। लेकिन एमी वे को इतना गुस्सा आया कि उसकी माँ को ही डिस्ट्रैक्ट में गाली देनी शुरू कर दी। दिस इज नॉट फेयर एमी वे वंटाई तेरी अकल कहाँ घास चरनों गई भाई। अरे शर्म करो। मैं बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अपनी पर्सनल बीफ में किसी के माता पिता को बीच में लाना बहुत गलत है। तुम अपने पर्सनल हेट में किसी के माता पिता को क्यों घसीट रहे हो। अरे शर्म करो। और हाँ मित्रों अगर एमी वे वंटाई अपने डिस्ट्रैक्ट में कृष्णा की माँ को गाली ना देता ना तो ये डिस्ट्रैक्ट ओपी था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं मित्रों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय मित्रों। I just wanna eat it. Can eat me, baby. Hey, baby, let me see it. Can eat me, baby. Oh, I really need it. Can eat me.